काल पाखी, ये काल पाखी क्या है? काल का संकेत है ये। जब जब ये काल पाखी चिड़िया यहाँ रुधान करती है, तब तब यहाँ किसी ना किसी की मृत्यु होती है। तो आज फिर कोई मरने वाला है। चलो सब चलकर देखते हैं कि आज तुम में से किसकी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हें इन्हें पतन राज के हाथों मरने देना चाहिए था, वरना आज एक वीर क्षत्रिय आत्मदाह करने के लिए बाध्य नहीं होता। मैं जानता हूं, मैं जो कर रहा हूं उसे कायरता कहेंगे, लेकिन आज मैं इस आग की भट्टी में कूदकर स्वयं को नहीं अपितु 12 वर्षों से हो रहे अपने उस अपमान को, अपनी उस प्रताड़ना को, उस सभी दुखों को नष्ट कर देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा शौर्य, मेरा वास्तविक स्वरूप मुझे भुला दिया। इसलिए मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उस परम पिता परमेश्वर को नहीं अपितु पीपली वन के अपने महान सम्राट चंद्रवर्धन के बलिदान की स्मृतियों को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को मैं अपने इस अंतिम क्षण में अपने साथ लेकर जाऊंगा। कृपा कर मत कूदिए, आप अपनी आशा नहीं छोड़ सकते हैं। आशा? आशा तो उस दिन समाप्त हो गई थी बालक, जिस दिन मुझे इस नरक में बंदी बनाकर लाया गया था। महाराज चंद्रवर्धन, क्षमा कर दीजिए मुझे जो मैं अपनी मुक्ति के लिए ऐसे मार्ग का चयन कर रहा हूँ, क्योंकि अब कोई आशा नहीं बची यहाँ से मुक्ति पाने की। बस अब और नहीं, पिपली वन के क्षत्रियों के जीवन का अंधकार मिटाने अब उनका राजकुमार, उनकी आशा बनकर उनके समक्ष अवश्य आएगा। मैं जानता हूँ कि मौर्य वंश का अंतिम दिया हमारे राजकुमार को उस दिन मार दिया गया था, जिस दिन उस दुष्ट धनानंद ने हमारे महाराज की निर्मम हत्या की थी। नहीं, मुझे वचन दो चंद्रगुप्त, परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, परंतु तुम पीपली वन के क्षत्रियों के समक्ष अपनी वास्तविकता उजागर नहीं करोगे। तुम्हारी वास्तविकता उन पर कब, कैसे और कहां उजागर करनी, ये निर्णय मेरा होगा। तब तक तुम उनके समक्ष केवल एक दास बनकर रहोगे। वचन दो मुझे। मैं वचन देता हूं आचार्य। व्यर्थ के उपदेश देकर हमारा समय व्यर्थ मत करो, शीघ्र कूदो। तुम्हारी रक्षा करने के लिए ना तो तुम्हारे स्वर्गीय महाराज चंद्रवर्धन आने वाले हैं और ना ही कोई पीपली वन का राजकुमार। हंसले पतनराज, जी चाहे जितना हंसले, लेकिन मेरी एक बात स्मरण रखना, पीपली वन की धरती से एक दिन ऐसा तूफान उठेगा पतनराज कि जिसमें तू और तेरा वो दुष्ट धनानंद दोनों का विध्वंस हो जाएगा। अपने अंत की प्रतीक्षा कर पतनराज, पीपली वन की जय हो, महाराज चंद्रवर्धन की जय हो। हाहाहाहाहा